हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, और सब कैसा चल रहा है? उम्मीद है सारे एंजॉय कर रहे होंगे हमारे मैथ्स अभ्यास के सीरीज को। अब हम आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 यानी मैथ्स अभ्यास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर नंबर 2। ठीक है, मैं कुंदन कुमार फिजिक्स वाला के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा कंटेंट, जैसा कि बच्चों हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है, क्या बताया था कल के लेक्चर्स में कि आज हम क्या क्या करेंगे। एक तो कुछ ऐसे इक्वेशन होते हैं जो देखने में बच्चों क्वाड्रेटिक नहीं होते हैं, जो देखने में क्या नहीं होते, क्वाड्रेटिक नहीं होते, लेकिन उनका प्रोसीजर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होके गुजरता है, उसको हम बोलते हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक, एक वो करेंगे, दूसरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस करेंगे और उसी का एक पार्ट है लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, तो उसके एक दो क्वेश्चन हमें, मतलब उसमें वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन करने होते हैं, जो अच्छे और आसान, जो आने लाइक क्वेश्चन होंगे जेई मेन में या जेई एडवांस में, हम वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्लियर? नाउ आज हम फिर से शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन प्रॉब्लम सेशन लेक्चर नंबर 2। क्लियर? नाउ देखो, हमने जैसा बताया बच्चों कि ऐसे भी कुछ इक्वेशन होते हैं जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होते हैं। जैसे ये एक देखने में लग रहा है एक्सपोनेंशियल टाइप का इक्वेशन, या एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ही बोलते हैं इसको। इसको इतना अच्छा ये दिया हुआ है कि इसको हम क्वाड्रेटिक में बदल सकते हैं। द इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट्स, एग्जैक्टली 4 रियल रूट्स, एग्जैक्टली 1 रियल रूट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल रूट्स, ये बताना है। ये क्वेश्चन बच्चों IIT 1982 और JEE मेन 2012 में एकदम एक ही क्वेश्चन विदाउट चेंजिंग एनी डेटा आया हुआ है। ठीक है, सोचो 30 साल के बाद वही क्वेश्चन आ गया फिर से। मतलब पुराने टाइम हमें प्रीवियस जो होते हैं करने वाले, वो पुराने IIT के ही क्वेश्चन को करने होते हैं बच्चों। ठीक है, नाउ अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देख रहे हो ना, इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे। देखो ये e टू द पावर साइन एक्स है, e टू द पावर माइनस साइन एक्स है, e टू द पावर माइनस साइन एक्स 1/e टू द पावर साइन एक्स होता है, तो हम एक को t ले लेंगे, दूसरा अपने आप आ जाएगा, है ना। तो हम इसमें क्या ले लिए, लेट e टू द पावर साइन एक्स इज इक्वल टू, हमने t ले लिया या y ले लेते हैं, चलो t ही ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही t लिया, हमें देखो e के बारे में भी याद रखना है, e का वैल्यू आसपास क्या होता है। देखो एक तो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स जो है, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये आपको याद रखना था। दूसरा क्या याद रखना है, ई का वैल्यू एक्सपोनेंशियल जो है आसपास 2.7192, ये याद रखना है। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फैक्टर है बच्चों, ये ठीक है, वो ध्यान देना है। ये दो कंसेप्ट पहले से हमें याद होने चाहिए जो आगे इसमें यूज होंगे। e टू द पावर साइन एक्स यदि t है, तो इक्वेशन रिड्यूसेस टू, इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगा, रिड्यूसेस टू t माइनस 1/t इज इक्वल टू 4। ठीक, अब यहां से ये क्वाड्रेटिक बन गया, यानी यहां से t स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4t, तो यहां से t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये तो क्वाड्रेटिक आ गया, चाहे तो फॉर्मूले से, है ना, आइदर बाय फॉर्मूला, यानी टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 1, यही है ना फॉर्मूला, याद है ना, जो पहले से भी याद होगा, 9th-10th में भी याद था, अभी भी बताया गया है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है ना। तो ये हमें ध्यान देना होता है, ये क्या करना होता है, हमें ध्यान देना होता है। तो t स्क्वायर यानी यहां से
हम क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू माइनस बी, वैसे तो इसको परफेक्ट स्क्वायर से भी कर सकते हो, t माइनस टू का होल स्क्वायर है ना, तो t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, ठीक है, अपॉन टू ए, यही ना। तो ये आ गया आपका 4 प्लस माइनस रूट 20 यानी 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, यही आएगा ना, रूट 20 को हम 2 रूट 5 लिख दिया। अब 2 से 2 काट लेते हैं, इसका मतलब 2 प्लस माइनस रूट 5 ये आ गया है। अब t किसको माने थे, मेन अभी दिमाग लगाना है इसमें, जब भी हम मानते हैं बच्चों उसको वापस करना होता है, ठीक है, और उसके बाद रेंज यूज होगा। e टू द पावर साइन x जो है दिस इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 एंड 2 माइनस रूट 5। अब देखो 2 माइनस रूट 5, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी एक्स कुछ भी पॉजिटिव रखो या निगेटिव रखो, यदि बेस पॉजिटिव है तो बेस तो ई है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, है ना, यानी एज ई टू द पावर साइन एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है, सो 2 माइनस रूट 5 ये नहीं ले सकते, सो 2 माइनस रूट 5 ये तो कट गया, ये आया था लेकिन ये सेटिस्फाई दिए हुए को नहीं किया। दूसरा ऑल्सो, और हमें क्या याद रखना है, ऑल्सो ई टू द पावर साइन एक्स जो है, ई टू द पावर साइन एक्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1, तो ज्यादा से ज्यादा ई हो सकता है, e का मतलब 2.71 लिखे हैं, यानी ये ज्यादा से ज्यादा 2.71 हो सकता है, बट 2 प्लस रूट 5 जो है, रूट 5 होता है 2.236, तो 2.236 प्लस 2 4.236, तो यानी ये तो ग्रेटर देन है ना, ये तो ग्रेटर देन 4 ले लिए, है ना, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी ये भी पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब हमने इतना टैलेंट के दम पर, अपने अंदर जो टैलेंट था ना बच्चों, उसकी वजह से हमने इतने अच्छे से सॉल्व किया और दो वैल्यू निकाले, लेकिन वो दोनों वैल्यूज वो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहे हैं, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यहां इस इक्वेशन के एक भी रूट्स होंगे क्या, नहीं रूट्स होंगे, सो नो रियल रूट्स। जब भी हम बात करते हैं रूट्स की, इसका मतलब रियल रूट्स है ना, नो रियल रूट्स, क्यों, क्योंकि जो आया है वो रेंज सेटिस्फाई ही नहीं हो पा रहा था, एक निगेटिव की वजह से कट गया, एक उसके मैक्सिमम के ज्यादा की वजह से कट गया, ठीक है, यानी कोई भी रूट्स सेटिस्फाई नहीं कर पाया इस वजह से। तो देखो ये आसान क्वेश्चन है ना बच्चों, हमें इस तरीके से क्वेश्चन करने आना चाहिए, ठीक है, हमेशा आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको क्वाड्रेटिक में चेंज करना है। जैसे एक ये हो गया, ये आया हुआ है, यदि हम इसको और आगे बढ़ें, यदि हम क्वेश्चन लेते हैं ऐसे जो कि इक्वेशन नहीं दिया हुआ है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, लेकिन उसको हम क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हैं, लाइक हमें बताना है इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर ले लिए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ले लिए, दिस इज इक्वल टू हम ले लेते हैं चलो 8, है ना, हैज रूट्स। अब रूट्स क्या क्या हैं, कितने रियल है इमेजिनरी है, वो तो सारे ऑप्शन में दिए हुए रहेंगे। अब देखो बच्चों ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, अब इसको क्वाड्रेटिक में बदलना है, तो बेसिकली देयर आर 5 फॉर्मेट्स विच कैन बी रिड्यूस्ड इन क्वाड्रेटिक फॉर्म, उसी में से एक फॉर्मेट है ये बच्चों आपका, तो 5 फॉर्मेट हैं, जिसमें एक होता है ये वाला फॉर्मेट कि कोई फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, कोई फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है
तो हम क्या करेंगे, उसको मान लेते हैं। मानने के बाद वो कैसा होना चाहिए, क्वाड्रेटिक। और मानने की ना लिमिटेशन है नहीं, वैसे भी हम लोग जहां रहते हैं वहां हर चीज मान के ही आगे बढ़ा जाता है। हम मानते ही रहते हैं कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कैसे होगा इस पर कुछ लोग डिस्कशन करते हैं और वो एग्जैक्ट हो जाते हैं, बाकी तो मानते ही रहते हैं, है ना। ये हमारे खासियत है, हम में है, सब में है, सब में, है ना। तो मानना तो हमारे भाई क्या बोलते हैं, ये होगा, ये होगा, ये हो जाएगा फर्स्ट। और ये मोटिवेशन भी होता है कि कुछ भी बनने के पहले सोचना या ड्रीम देखना तो शुरू करो उसको। हाँ, प्रोसीजर क्या है वो भी ड्रीम में आने चाहिए, कि केवल ड्रीम ही देख रहे हैं, है ना, बस ये नहीं। तो इसको अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको अब हम क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे। अब देखो ये देखने से लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लग रहा है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कंसेप्ट याद है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ये तो बच्चे सोच रहे होंगे यार ये तो सबको आता है ना, एकदम सही सोच रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है ना। एक और होता है, दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है। दोनों में से कोई भी, कहीं पर कोई भी हम यूज कर सकते हैं, बशर्ते यूज करने से अपना काम चल जाए, मेन ये ध्यान देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने यूज कर दिया नहीं हुआ तो अब आप बताओ, होता क्या है मैथ्स में यही होता है, कोई हम मेथड अप्लाई करें नहीं हुआ सोल्व, टिक लगा लेते हैं, पूछ लेना है भाई दूसरे मेथड से करो और कुछ एनालिटिकल अप्रोच लगाओ आप, उससे भी हो जाएगा। यदि खुद से हो जाएगा ना, इट मीन्स वो क्वेश्चन हमें बहुत सारा एक खुशी है, प्रैक्टिस है, ये सारा दे जाएगा। पूछ के तो हमें कोई भी बता देगा, और उसके बाद अच्छा ये था मैं तो भूल गया था, ऐसा गलत चीज होता है ना। भूलना ही तो गलत है, वही तो प्रैक्टिस करना है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों खुद से हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्योंकि हम उस लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है ना, जैसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, सर ने भी बहुत क्वेश्चन करवाए, ऑलमोस्ट सारे कंटेंट करवाए, हम उसके बाद फिर से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन करवा रहे हैं, दिस इज नॉट द एंड। इसके बाद भी कम से कम 5 times नंबर ऑफ क्वेश्चन आप खुद से करोगे, इट मीन्स यू विल बी एलिजिबल इन फ्यूचर, यू विल बी एलिजिबल फॉर जेई मेन गुड रैंक और जेई एडवांस, ठीक है। आप और उसके और ज्यादा करोगे तो और अच्छे रैंक, और ज्यादा करोगे तो और अच्छे रैंक। मतलब यहां पर तो क्या होता है ना, कंसेप्ट डिलीवरिंग विथ सम गुड क्वेश्चंस, वो हमारा मेन पर्पस होता है, आपको अच्छे से समझ में आने के लिए कंसेप्ट सारा बता दिया जाता है, जैसा कि सर एकदम सारा बता देते हैं, आप उसको गो थ्रू करो और उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। बाकी तो यहाँ क्लासेस चल ही रही हैं, और भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, है ना, तो वहाँ हम सारा देख सकते, लेकिन खुद से प्रैक्टिस करना और उसको हम जैसे यहाँ पर जो है 10 साल से 15 साल से 20 साल से कुछ कुछ क्वेश्चन हम गलत तरीके से सोल्व करते थे पहले, या लेंदी उसी गलत का मतलब लेंदी तरीके से करते थे, वो धीरे 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 आया कि चलो ये 2 लाइन में भी हो जाएगा, 10 लाइन में भी हो जाएगा, ऐसा आया, ठीक है, प्रैक्टिस। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, देखो ये वाला जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर है ना प्लस, यहां पर भी हम पूरा परफेक्ट स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू 8 है, एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ये है। तो अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, यदि हमने इसको देखा, चलो लगा देते हैं ए प्लस बी, पहली नजर में तो यही लगता है ना फॉर्मूला, ये लगा दिया माइनस टू ए बी, टू इंटू ए बी लगाया इज इक्वल टू, यहां तो 8 है। अब देखो इसको ऐसा करने से कुछ फायदा हुआ क्या, हम कोई भी काम क्यों करते हैं भाई, कम से कम अपने फायदे के लिए और दूसरे का नुकसान ना हो, इसी के लिए तो करते हैं, एक ही लाइफ का मोटो है ना, इसको जितना जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो हम ये प्रोसेस जो अप्लाई किए हैं बच्चों, वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आया है, और यहां एक्स स्क्वायर है, तो ये तो कुछ हुआ ही नहीं फायदा, यानी ये गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग, गलत हो गया। अब
हिम्मत नहीं हारेंगे भाई। अभी हमने बताया ना, कुछ मेथड अप्लाई करते हैं, गलत हो जाता है, टिक नहीं लगा लेंगे कि नहीं समझ में आया, नेक्स्ट दूसरा मेथड या दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि अच्छा एक माइनस वाला भी तो है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी भी है, तो क्यों ना हम यहां पर माइनस कर देते हैं, यहां पर माइनस कर देते हैं तो यहां पर प्लस हो जाएगा। यदि हम यहां पर माइनस करें बच्चों, यदि यहां पर माइनस करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, मन में सोचना है, देखो एक दो लाइन तो मन में सोचना है, ये देखो एक्स सेक्स कट गया ना ऊपर में, तो ऊपर में आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन, नीचे में तो एक्स प्लस वन है, यहां भी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन है, ठीक, यहां पर भी तो वही है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन को टी मान लिया तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में, हो जाएगा ना। इसीलिए बोले हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड अप्लाई करो, है ना, मेथड अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, हो सकता है वो सही हो गलत हो, यदि गलत हुआ तो दूसरा मेथड करो, तुरंत हार मत मान जाओ कि चलो मैं तो पूछ ही लूंगा, क्यों पूछ लेंगे, आई हैव रिसोर्सेज, यू हैव, यू मस्ट हैव, लेकिन वो आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई, रिसोर्सेज को आप अभी तक इंडियन एग्जाम में रिसोर्सेज आर नॉट अलाउड, हो सकता है 50 साल बाद आए कि एक आदमी लेके आएगा कैंडिडेट्स कि भाई ये लिखेगा, मैं इसको देखते रहूंगा भाई कि कैसे लिख रहा है, एग्जाम में अभी तक तो पॉसिबल नहीं है वो, मुझे आगे का पता नहीं कि क्या होगा, है ना, कि अभी तक तो नहीं लग रहा है, अगले 10-15 साल तक तो नहीं है कि आप किसी कैंडिडेट को लिख के लेके आओगे वो लिखेगा, है ना, ऐसा वाला अलाउ नहीं है। क्रिकेट वगैरह में तो है कि मैं एक जगह पर रहूंगा दूसरा भाग जाएगा, बैट्स लेके जो नहीं रनर वगैरह होते हैं वहां अलाउ हो गया है, लेकिन एग्जामिनेशन में कम से कम इंडियन एग्जामिनेशन जिसके बारे में कुछ नॉलेज है नेशनल लेवल में, उसमें बच्चों अभी तक ना ये अलाउ नहीं है कि आप रिसोर्सेज ले जा सकते हो, रिसोर्सेज मतलब बुक्स भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, कलीग भी हो सकते हैं, अभी तक अलाउ नहीं है। तो जब अलाउ नहीं है तो आपकी जो अपने अंदर बॉडी पार्ट्स की जो अंदर की प्रैक्टिस है वही तो यूज होगी एग्जामिनेशन में, हाँ पूछ के ही, लेकिन उसको दोबारा खुद से सोल्व कर लो, यहां हमारे वीडियो को वॉच करके इस तरह के क्वेश्चन को देख के भले खुद से उसको खुद से सोल्व करो, देख देख के मत नोट करो, देख देख के ही तो नोट करते रहते हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन जानते हो नेशनल लेवल कंपटीशन में क्या होता है ना, थोड़ा सा दुखदाई रिजल्ट आता है, दुखदाई रिजल्ट इन द सेंस 2% लोग पास होते हैं, 3% पास मतलब अच्छे रैंक से, बाकी तो सब पास है, कोई फेल ही नहीं है, कंपटीशन की यही तो खासियत है, सब पास है, हम रैंक नहीं बताएंगे लेकिन पास है भाई, हमने अच्छा किया है, होता है इन जनरल। तो ये वाला जो हमने मिटा दिया भाई, जो गलत किया है, अब देखो सही वाला कर देते हैं, a माइनस बी लगा देते हैं, क्यों समझ में आया ना, क्यों हमने मिटा दिया, क्योंकि उससे गलत आ रहा था, है ना, इसीलिए तो मिटा देते हैं ना, तो x अपॉन x प्लस वन, लेकिन कैसे गलत आएगा, हमेशा बच्चों देखो ना ये भी ध्यान देना है आपको कि कोई सही काम होता है वो गलत तरीके से कैसे होगा, इसकी नॉलेज भी रखनी चाहिए, तभी तो हम नहीं करेंगे वो, भाई क्या क्या गलत हो सकता है आफ्टर एग्जाम आफ्टर रिजल्ट, क्या क्या हो सकता है, इसका यदि सटीक नॉलेज अपने पास नहीं है तो हमें आइडिया कैसे लगेगा। कुछ बच्चे तो इसमें भी लगे रहते हैं, हम लोग भी लगे रहते हैं इसमें कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये गलत है, किसी ने बताया नहीं कि नहीं स्टडी करने से आदमी फेल हो सकता है, यार बताना चाहिए था, हमें तो लग रहा था कि जो हमें बताया जा रहा है दैट इज द बेस्ट, जो हमें बता रहे हैं दैट आर द बेस्ट, जो कंटेंट बताया जा रहा दैट आर द बेस्ट, बताया जा रहा था बेस्ट, इट्स गुड, आपने उसको कितना एक्सेप्ट किया ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, याद ये रखना है, यानी दोनों साइड हमें याद रखने हैं। जैसे होते हैं ना हमारे जब 12th में प्रोबेबिलिटी करते हैं सक्सेस फेलियर नाम की बीपीडी यानी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, तो उसमें ये होता है कि कुछ बार कोई हुआ तो बाकी बार वो नहीं भी तो हुआ, जैसे हमने सिक्के को 6 बार फेंका 2 बार हेड आया तो सुनने वाले को समझ में आ जाना चाहिए अच्छा 4 बार टेल भी तो आया होगा, दोनों एक साथ सुनना होता है, सुनना एक टैलेंट है, बोलने को तो देखो कोई खुद जेई मेन क्वालिफाई या जो भी है ना हम नहीं करते हैं, लेकिन
हम आपको श्योर करवाते रहते हैं 60 प्लस मार्क्स, 80 प्लस मार्क्स, 70 प्लस मार्क्स आ जाएगा। हमें कितने आए मुझे नहीं पता, पता नहीं आए होंगे, मैं नहीं बताऊंगा भाई, लेकिन मैं आपको श्योर करता हूं कि आपके इतने मार्क्स जरूर आएंगे। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, आप स्टडी करोगे तो आ भी जाएंगे। सारे अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं और सच्चे ही और सही ही बोलते रहते हैं, लेकिन पॉइंट ये है मार्क्स आपके आपके हाथ में हैं। जितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे इस टाइप के, उतने अच्छे अच्छे आपका अवेयरनेस इंक्रीज होगा टुवर्ड्स जेई मेन, जेई एडवांस, इवन एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं और इससे भी हो जाएंगे। ठीक है, याद रहेगा बच्चों। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, अब ये हमने लगा दिया, ठीक है, अब लगा दिया तो हो गया, ये बस कुछ है ही नहीं। अब इसका एलसीएम ले लिया तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, ये है टू टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन माइनस एट ले लिया, है ना। अब क्या ले लेना है, लेट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन को टी ले लेना है, क्या ले लेना है, टी ले लेना है, बस हो जाएगा इसमें। तो इसको हमने टी ले लिया तो ये क्या आ गया, इक्वेशन रिड्यूसेस टू, इक्वेशन रिड्यूसेस टू टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से टी का तो आ गया होगा ना वैल्यू T, अच्छा चलो फैक्टराइज भी कर सकते हो, टी प्लस फोर टी माइनस टू, वैसे तो हमने पिछले लेक्चर में ही बोला था डायरेक्ट डायरेक्ट कर लेना है, माइनस फोर और टू आ गया, आया ना, ये आ गया आपका T का वैल्यू। अब T किसको माने हो, नाउ T किसको माने हो बच्चों, इफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन को माने हो ना, हमें वहां तक जाना है। तो यहां से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से आ गया एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से आ गया एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, दो बार लिखना है, देखो कितना आसानी से हो जाता है, मतलब आराम आराम से हम मोटिवेट कर रहे हैं, क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी ही हो जाता है कि नहीं, कितने आसान मैथ से। नाउ इफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन, यदि हमने लिया टू, चलो टू भी ले लिया, तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो आया ना, टू एक्स प्लस टू आया था इधर कर दिए, है ना। तो इसको हम क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले से या परफेक्ट स्क्वायर भी कर सकते हो, वन ऐड कर लिया तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, वन प्लस माइनस रूट थ्री, यानी टोटल कितने वैल्यू आ गए हमारे पास, टोटल आ गए तीन डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज, जबकि ये कैसा इक्वेशन था, ये बाई क्वाड्रेटिक था, बाई क्वाड्रेटिक यानी डिग्री फोर था, डिग्री फोर के कितने रूट्स आने चाहिए, चार आए हैं चार, लेकिन उसमें से दो अलाइक है, दो इक्वल है, माइनस टू और माइनस टू, और एक वन प्लस रूट थ्री है और एक वन माइनस रूट थ्री है, यहां से लिख सकते हो ना, अरे लिख ही लोगे और क्या, है ना, देखो थ्री इधर चला गया, रूट थ्री प्लस माइनस में वन ऐड कर दिया, तो बहुत आसान है ना। तो इस तरीके से मैक्सिमम चार रूट्स थे, हो सकता है दो ही रियल आते, दो ही इमेजिनरी आते, ये डायरेक्ट ऐसा ही लॉगरिथम का कंसेप्ट लेते हुए जेई एडवांस में भी क्वेश्चन आया हुआ है इसी टाइप का, ठीक है। तो ये कर लोगे ना क्वेश्चन बच्चों, ये पूरा हमें अच्छे से याद रखना होता है, क्लियर है ये, देखो एकदम आसान है ये, ठीक, मतलब इसको बोलते हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, मतलब ये इक्वेशन है लेकिन सर्कल लैंग्वेज में, ये कैसा इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें क्या देगा, धोखा देगा कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, है ना, लेकिन है क्वाड्रेटिक है, उसी से इसका प्रोसीजर शुरू होता है, ठीक है। नाउ अब देखो अगला इसमें एक लेते हैं कि मान लिया जाए कोई इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें रूट दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है, रूट, यदि किसी क्वेश्चन में रूट दिया हुआ है तो हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद जब भी होता है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर करने के बाद जब रूट्स आएगा ना, चेक करना जरूरी है। जैसे इक्वेशन एक जेई में आया था कि नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एक्स प्लस वन का रूट
माइनस एक्स माइनस वन का रूट इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस वन का रूट, ये बताना है कि नंबर ऑफ रूट्स इसके कितने होंगे। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्या करोगे हम इसमें मेन कंसेप्ट देखो अब बताएंगे, पहले सोल्व कर लेते हैं, है ना। देखो सोल्व करने के लिए क्या करोगे, स्क्वायरिंग, स्क्वायर कर लिए। जब स्क्वायर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, a माइनस बी है, तो a माइनस बी का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या हो गया, 4x माइनस 1 हुआ ना, ये हम लिख लेंगे, जो कट रहा है उसको कैंसिल कर दिए, 2x माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट 4x माइनस 1। अब यहां से क्या आ गया, 1 से 1 कैंसिल हुआ था ना, 2x उधर कर देते हैं, तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट 2x माइनस 1, अगेन स्क्वायरिंग, फिर से रूट रह गया है ना, तो इसको स्क्वायर कर दिए, तो ये आ गया आपका 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, से 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कट गया ना, यहां आया माइनस 4, यहां आया 1 माइनस 4x, x इज इक्वल टू आ गया 5/4, यहीं से कंसेप्ट अब शुरू होगा। देखो कितना आसानी से कितनी तेजी से सोल्व कर लिया, x आ गया 5/4, इतना हिडन टैलेंट था हमारे और बच्चों के अंदर कि जिसकी वजह से उन्होंने तुरंत सोल्व कर लिया। अब लेकिन दिस इज नॉट द एंड, ये एंड नहीं है, है ना, अभी गेम आना बाकी है, एंड गेम। तो हम क्या करेंगे, एक्स यदि जो 5/4 आया है तो हमें बच्चों एक चीज ये ध्यान देना होता है, जहां तक पॉसिबल हो हम हमेशा स्क्वायर से बचते हैं, स्क्वायरिंग करने से बचते हैं, क्योंकि स्क्वायरिंग करने से क्या होता है ना, कुछ एक्सट्रानियस रूट्स आ जाते हैं, क्या जाते हैं, कुछ एक्सट्रानियस रूट्स। यदि हम इसको हिस्ट्री में ले जाएं, जैसे मान लिया जाए x इज इक्वल टू 2 दे रखा है, ठीक, तो ये एक रूट है, एक ही इक्वेशन है, मतलब लीनियर इक्वेशन है, एक ही रूट है। अब देखो इसको स्क्वायर कर दिया, अब यहां से इसको सोल्व कर दिया तो 2 और माइनस 2 आया ना, बट x इज इक्वल टू माइनस 2, बट x इज इक्वल टू माइनस 2 डज नॉट सेटिस्फाई, ये जो है डज नॉट सेटिस्फाई द गिवेन इक्वेशन। गिवेन इक्वेशन तो x इज इक्वल टू 2 था ना, एकदम बेसिक के लिए ये बोल लिखे हैं, ठीक है, गिवेन इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा है, इसका मतलब हमें इससे एक कंसेप्ट याद रखना है। क्या याद रखना है, इससे एक कंसेप्ट ये याद रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जहां तक पॉसिबल हो स्क्वायरिंग से बचेंगे, है ना। लेकिन मान लिया जाए ज्यादातर केस में स्क्वायरिंग ही करना होता है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद जो एक्स के वैल्यू यानी रूट्स आएंगे उसको ओरिजिनल इक्वेशन में चेक करना मैंडेटरी कंडीशन है, बस भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम गलत काम यानी कम स्टडी करते नहीं हैं, लेकिन यदि कर रहे हैं तो हम बाद में मेंटेन करेंगे। मेंटेन का मतलब कि कोई नॉर्मल स्टूडेंट, मतलब कोई स्टूडेंट साल भर बच्चों 4 घंटे पढ़ता है रोज, 365 दिन, 5 दिन हटा लो इधर उधर, चलो 360 दिन, तो यदि कोई ऐसा नहीं किया है तो रिमेनिंग डेज में तो उसको वही कैलकुलेशन वाइज स्टडी करना होगा ना, और यदि वो नहीं करता है, ये है ही नहीं मोटिवेशन डिमोटिवेशन, ऑल आर एक्सपेरिमेंटल डेटा आज, ठीक है। तो यदि वो नहीं किया कोई बच्चा तो उसको ज्यादा करना स्टडी होगा, सेम लेवल आ जाएगा, इसमें क्या गलत और क्या सही है, मुझे तो समझ ही में नहीं आते लोग मोटिवेशन डीमोटिवेशन ये क्या सोच के करते हैं किसी को, जब उनका आपका पास्ट नहीं पता है, यानी वो अपना ही एक मतलब रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए मोटिवेशन या डीमोटिवेशन देते हैं, उनको तो पता ही नहीं कि आपकी हालत क्या है, नहीं पता है ना, आपने बताया ही नहीं कि मैं साल भर में रोज 4 घंटा पढ़ रहा था, नो नीड ऑफ एनी मोटिवेशन, मुझे पता है खुद से स्टडी करने से काम चल जाता है।
बाकी गाइडेंस के लिए, अच्छे क्वेश्चन के लिए हमें आपके चैनल को देखने की जरूरत है। बस बाकी तो मैं खुद से कर लेता हूं, हमें तो पता ही नहीं है ना बच्चों, इसलिए तो इस वजह से जब भी हम स्क्वायर करेंगे जो रूट्स आएगा चेक करना मजबूरी है। बिना चेक किए हुए आंसर लिखोगे ना भाई, तो चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो, किसी नॉर्मल इक्वेशन का हो, किसी लॉगरिथमिक इक्वेशन का हो, किसी रियल लाइफ का हो, थोड़ा सा ना गलत होने की प्रोबेबिलिटी होगी उसमें, ठीक है। इसीलिए जब भी हम काम करते हैं ना, उसका चेकिंग पॉइंट एक फिक्स होना चाहिए चेक करने का। ऐसा नहीं हमने किया है भाई, किसने किया है, हमने किया है तो कैसे गलत हो सकता है, अरे कैसे नहीं हो सकता है, हु आर यू, ये सब सोचते हैं। मतलब कंसेप्ट को हम कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं सोचना है बच्चों, ठीक है ना। अब जैसे हमारा आ तो गया कि x इज इक्वल टू 5/4, अब वापस आ जाते हैं ना, पुट x इज इक्वल टू 5/4 इन ओरिजिनल इक्वेशन, इन इसको फर्स्ट बोल दिए हैं, फर्स्ट इक्वेशन है इन फर्स्ट। देखो x यदि 5/4 हम रखे बच्चों, तो LHS कितना आया है, LHS कितना आया है, 5/4 + 1, मतलब फॉर्मेलिटी के लिए रख रहे हैं है ना, -5/4 - 1, ये कितना आया, 9/4 3/2 -1/2, 3/2 -1/2 दैट इज 1 आया ना। RHS कितना आया है, 4 × 5/4 -1 का रूट, यानी 5 - 1 = 4 यानी 2, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड 1 आया है, राइट हैंड साइड 2 आया है, दैट इज LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। देखो यही तो कभी कभी बच्चे हो जाते हैं, हम लोग भी हो जाते हैं डिप्रेस, कि इतना मेहनत करके इतने हाई स्पीड से क्वेश्चन को हमने सोल्व किया, लोग कुछ बोल रहे थे उनकी बातों को हमने अनसुना करके इस क्वेश्चन को सोल्व किया, और जो आया आंसर वो भी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि नहीं, इसलिए उसमें टेंशन की जरूरत नहीं है, नहीं कर रहा है, अपना सोल्यूशन थोड़ी है ये तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, अपना होता तब ना टेंशन होता, क्वेश्चन के कोई सोल्यूशन नहीं है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो नो रियल सोल्यूशन, सो नो रियल, हम रियल तो फॉर्मेलिटी के लिए ले लेते हैं, रियल क्या इमेजिनरी भी कोई सोल्यूशन नहीं है, चूंकि देखो कुछ ऐसा तो किया ही नहीं, ठीक है, तो वो ध्यान दे देते हैं, याद रहेगा ये। इस तरीके से बच्चों आपको ना क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और उसको अच्छे से क्या करना है, सोल्व करना है, लेकिन चेक जरूर करना है कि ये ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, याद रहेगा ना। अब हम आगे अगले कंटेंट पर बढ़ते हैं, ये था इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब हमारा जो लेक्चर है वो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जो कि पैराबोला होता है ना, क्वाड्रेटिक वर्टिकल अपवर्ड हो सकता है, वर्टिकल डाउनवर्ड हो सकता है, इवन प्रोजेक्टाइल मोशन, फिजिक्स में पैराबोला ही तो है, पैराबोलिक कर्व, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी याद है ना, वाई इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा -gx² / 2u² cos² थीटा, या वाई इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा ब्रैकेट में 1 - x / r कैपिटल आर रेंज। तो ये पैराबोला जो है ये क्वाड्रेटिक ही था, ये प्रोजेक्टाइल ही था, हर चीज को कोरिलेट करते हैं, पैराबोला क्वाड्रेटिक प्रोजेक्टाइल मोशन तीनों एक ही के मेंबर हैं, ठीक है। वैसे ना अब आगे देखते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे ये दिया हुआ है एकदम आसान आसान क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में बेसिकली हमें क्या याद रखना होता है, कंसेप्ट क्या है इसमें, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है, और रियल के लिए ही एक्सप्रेशन, मतलब डायग्रामेटिकली लेना है ना तो रियल कोएफिशिएंट ही होंगे, है ना, तो ये होता है ए यदि पॉजिटिव है, ए यदि पॉजिटिव है तो इस तरह का पैराबोला होगा, ए यदि निगेटिव है तो इस तरह का पैराबोला होगा। दोनों केस में जो पैराबोलिक जो
बच्चे हैं, उन्होंने पैराबोला भी स्टडी कर रखा है ना, उनको पता है कि ये जहां पर टर्न करता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। दोनों केस में वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, दोनों चाहे ए पॉजिटिव हो या ए निगेटिव हो, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए है कोऑर्डिनेट। माइनस बी बाई क्यू, अच्छा डी का मतलब समझ रहे हो ना, डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये है कंसेप्ट कि कोई भी क्वाड्रेटिक दिया हुआ है वो हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, हमेशा निगेटिव हो सकता है, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, मतलब एक्स एक्सिस को कट कर सकता है या टच कर सकता है, ये ध्यान देना है। ठीक है, सारे वो केसेज इसी में हमें लेने होते हैं वर्टेक्स, ये याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, ये तो यहां तक क्लियर है ना, ये वर्टेक्स है यानी वर्टेक्स इतना ऊपर होगा, एक्स स्क्वायर यहां पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पॉजिटिव है भाई। कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, इसका जो वर्टेक्स है, इसका वर्टेक्स तो निकल जाएगा ना, इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए वर्टेक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू पी एक्स प्लस 13 इज, या तो फॉर्मूले से और नहीं तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में करके पैराबोला बना के वर्टेक्स निकाल सकते हो। जैसे होता था ना, कोई इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला के कोरिलेट कर देते हैं, वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर फोर एक्स माइनस अल्फा, या वाई माइनस बीटा इज इक्वल फोर ए वाई माइनस बीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, दोनों में से कोई भी ले लिया हमने। ठीक है, तो वही हमने यहां पर लिखा है। अब देखो इसमें इसका वर्टेक्स या तो फॉर्मूला, फॉर्मूला हमने लिख दिया है, तो माइनस बी देखो बी माइनस बी बाई टू है भाई, केवल फॉर्मूला लिख रहे हैं, माइनस बी बाई टू इंटू वन, ठीक है कॉमा माइनस डी, माइनस डी का मतलब इसको सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए भी लिख सकते हो, फोर ए ये है। ठीक है, मतलब माइनस डी बाई फोर ए को और क्या लिख सकते हो, सी माइनस बी स्क्वायर बाय फोर ए, एक ही चीज है, ये वाला और ये वाला एक ही चीज है। ठीक है, फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए है, एक ही चीज है। तो यहां से इसका वर्टेक्स निकाल लिया हमने, वर्टेक्स क्या है बच्चों, माइनस पी, माइनस पी यहां से आ गया और 13 माइनस पी स्क्वायर ये आ गया इसका वर्टेक्स। क्लियर, अब क्वेश्चन देखो, अब पूरा रीड करते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ दिस लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, वर्टेक्स ऑफ द, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला दिस, पैराबोला इफ तो यहां गलत हो गया, इफ पैराबोला लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, तो देखो ये जो है ना, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से, डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या दिया हुआ है, 5 यूनिट, तो बस निकाल लेना है इसका डिस्टेंस, किसी वर्टेक्स का डिस्टेंस ओरिजिन से, तो किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जानते हो ना, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर अंडर रूट, वही लगा दिए, तो यहां से क्या आ जाएगा, एज इसको ले लिए वर्टेक्स वी, ये ले लिए ओरिजिन ओ, एज ओ वी, ओ वी इज इक्वल टू 5, तो यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 13 माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक, अब ये देखने में लग रहा है पीस में बाई क्वाड्रेटिक है, लेकिन आसान है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, लेट पी स्क्वायर को हम मान लिए एक्स, एक्स वगैरह था, चलो टी ले लिए, पी स्क्वायर को क्या ले लिया, टी ले लिया, तो यहां से पुट कर दो, तो ये आ गया टी प्लस 13 माइनस टी का होल स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 169 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2060, मतलब आपको केवल ना अच्छे से सोल्व कर देना है बस, तो यहां से आ गया टी स्क्वायर ना माइनस 25 टी
और 169 यानी 144 इज इक्वल टू जीरो होगा। तो यहां से देखो ये फैक्टराइज हो जाएगा ना, 144 यानी 16 इंटू 9 और 16 प्लस 9 यानी यहां से आपका टी आ गया 16 और 9, टी आ गया 16 और 9। अब टी आ गया है तो टी किसको माने थे भाई, पी स्क्वायर को माने थे ना, तो पी स्क्वायर था 16 या 9, तो पी इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 3। याद रहेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, तो देखो पी का वैल्यू निकल गया हमारा, यानी क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट भी था, पैराबोला का भी कंसेप्ट था, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था, पी निकाल लेना था। आसान है कि नहीं है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा प्रोसीजर वाइज है, कंसेप्ट तो हमें याद रखना है, वर्टेक्स का सीधे कोऑर्डिनेट याद रखेंगे, ये दोनों केस में होता है, ए पॉजिटिव और ए निगेटिव, दोनों में याद रखना है बच्चों, ये याद रहेगा। यानी ए पॉजिटिव होगा, देखो यहां से हम ये बोल सकते हैं ना, ए यदि पॉजिटिव होगा तो क्वाड्रेटिक का सीधे रेंज इन्हें कंप्लीट डोमेन, कंप्लीट डोमेन में, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में नहीं बात कर रहे हैं, कंप्लीट डोमेन में ए यदि पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक का रेंज क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई फोर ए से इनफाइनाइट, ठीक। और कंप्लीट डोमेन में ए यदि निगेटिव है तो रेंज क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई फोर ए, ये मैक्सिमम हो गया नीचे, यानी माइनस इंफिनिटी से माइनस डी बाई फोर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखो इसी को ध्यान में रख के हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए, ठीक है। रेंज वाला हम एक साथ लिख देते हैं, इन डोमेन है ना, कंसेप्ट क्या है इसमें, कंसेप्ट ये है कि ए यदि पॉजिटिव फॉर ऑल x belongs to R, है ना, सभी डोमेन के लिए, ऐसा नहीं कि कोई डोमेन चेंज कर दे कि 1 और 2 के बीच में ही x है, तो a यदि पॉजिटिव है तो रेंज ऑफ ax square plus bx plus c, है ना, रेंज ऑफ दिस इज क्या हो जाएगा, a पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर जा रहा है ना, यानी मैक्सिमम हो गया इनफाइनाइट, तो मिनिमम माइनस d बाई फोर ए और मैक्सिमम हो गया इनफाइनाइट। और यदि ए निगेटिव है तो रेंज हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस डी बाई फोर ए। तो देखो बच्चों हमेशा ना, जनरली हमेशा लोग जो पूछते हैं ना, वो यदि अच्छे लोग हैं तो हमेशा फाइनाइट चीजें ही पूछेंगे, वो ये नहीं पूछते क्या बनना चाहते हो, वो तो कुछ भी, मैं तो भाई जानते ही नहीं हूं मैं क्या क्या बन सकता हूं, वो अलग चीज है। हमेशा हमें यहां पर क्या होता है, ये पूछा जाता है, ए यदि पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू पूछा जाता है, ए यदि निगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाता है, ये ध्यान देते हैं, ठीक है। ए पॉजिटिव में और ए निगेटिव में यही अलग अलग केस हमें याद रखना है, याद रहेगा बच्चों, ठीक है ना। अब इसमें ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, क्वेश्चन में ए और बी इसके रूट्स हैं, है ना। देखो अब क्वेश्चन करते हैं, कंसेप्ट तो आ गया आपका, कंसेप्ट तो क्लियर है ना, आ रहा है समझ में, एकदम अच्छे से वॉच करते रहना है, ना रिवाइंड ना फॉरवर्ड, यदि फॉरवर्ड करके देखोगे तो नेचुरल सी बात है टाइम तो जाएगा ही, कंसेप्ट कुछ ना आएगा, है ना। यानी हमने अपना प्रीसियस टाइम, जो अपने आप को हम बहुत अच्छा मानते थे, है ना, कोई जैसे मानता है, मैं भी मानता हूँ, कोई भी अपने आप को बहुत अच्छा मानता है, तो जब अपने आप को मान रहे हो तो अपने टाइम की एक स्टेटस है भाई, टाइम की एक स्टेटस, हम ऐसे ही नहीं कुछ को टाइम लगा देंगे, किसी को हम अपना टाइम नहीं दे देंगे, टाइम बचाओ, क्या बचाएंगे बच्चों, टाइम, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू है आपका जीरो, इसके दो रूट्स दे रखे हैं, ए और बी दे रखे हैं ना, ए और बी इसके दो रूट्स दे रखे हैं, दे रखे हैं कि नहीं दे रखे हैं भाई, दे ही रखे हैं ए और बी, तो ये है आपका ए और बी, तो यानी रूट्स दिए रखे हैं तो या तो सेटिस्फाई भी करवा दो और नहीं तो हम यहां से भी निकाल सकते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और ए इंटू बी इज इक्वल टू सी बाई ए। क्वेश्चन में दे रखा है ए एंड बी आर नॉन जीरो,
ए एंड बी आर नॉन जीरो, तो यहां से हम यहां से बी काट सकते हैं ना, ए इज इक्वल टू वन एज बी नॉट इक्वल टू जीरो दे रखा है इस वजह से। तो जब ए वन आ गया, ए वन आ गया तो यहां से सो फ्रॉम वन हम इक्वेशन वन से बी क्या लिख लेंगे, देखो इक्वेशन वन से बी क्या आ गया माइनस टू, ए भी आ गया बी भी आ गया। नाउ इक्वेशन बिकम्स, नाउ वी हैव इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, इसी का हमें मिनिमम या मैक्सिमम अभी देख लेते हैं, a और b तो हम पहले पुट कर दे, एक्स स्क्वायर प्लस ए तो वन है ना x माइनस टू, इसी का हमें क्या निकालना है मिनिमम ही तो पूछा जा सकता है, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट पॉजिटिव दिया हुआ है, बस एक्स स्क्वायर के कॉफिशेंट को देखते हैं, ए भी तो अलग चीज है, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है उसको हमने कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ए लिखा है ना, ये है ए, ए का मतलब इसका वाला ए लेना है, ऐसा नहीं कि कहीं का भी ए ले लो, तो इसका मिनिमम पूछा जा रहा है, देखो लिस्ट वैल्यू ऑफ पूछा जा रहा है, तो लिस्ट वैल्यू दैट इज इसका लिस्ट वैल्यू जानते हो ना, फॉर्मूला भी याद है, नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर करके भी कर सकते हो, माइनस डी बाई फोर ए है यानी सी माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए भी लिख सकते हो, यहां पुट कर देना है तो माइनस टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर इंटू ए, तो ये आपका आ गया माइनस, ये कितना आ जाएगा माइनस नाइन बाय फोर, माइनस टू माइनस वन बाय फोर, माइनस कॉमन टू प्लस वन बाय फोर, नाइन प्लस नाइन बाय फोर माइनस नाइन बाय फोर, तो यही ना आंसर आ गया इसका, दिस इज फाइनल आंसर माइनस नाइन बाय फोर। तो ये बड़ा आसान कंसेप्ट होता है मिनिमम और मैक्सिमम, बड़ा आसान कंसेप्ट होता है मिनिमम और मैक्सिमम, बस ये देख लेना है आपको, रेंज याद रख लेना है, ठीक है बच्चों, ये अच्छे से करना है, ठीक है ना। अब हम आगे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का एक स्पेशल केस क्या होता है, लोकेशन ऑफ रूट्स, क्या होता है लोकेशन ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स दिए हुए रहेंगे कि दोनों रूट्स किसी से ज्यादा है, दोनों रूट्स किसी से कम है, रूट्स जो है रूट्स के बीच में कोई है, ये दिया हुआ रहेगा, किसी से ज्यादा किसी से कम कोई है, ये डेटा दे रखा होगा, हमें उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बना के या तो वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड, डिपेंड करेगा ए पर, वहां से आइडिया लग जाता है कौन सा केस लेना है, ठीक है, और उस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, हम वो क्वेश्चन अगले क्लास में भी करेंगे, अगले क्लास मतलब अगले मंडे की क्लास में भी हम करेंगे, ठीक है, तो वो ध्यान, अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं उस पर। नाउ जैसे देखो इसमें यदि हम ले कि वन लाइज, देखो ये क्वेश्चन एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लोकेशन ऑफ रूट्स पर है, इफ वन लाइज, क्वेश्चन में देखो दे रखा है बच्चों वन जो है लाई कर रहा है बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन अल्फा लाइज इन द इंटरवल, ये एक साथ ट्रिगोनोमेट्री भी मर्ज किया हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री क्यों मर्ज करते हैं बार बार, कॉम्प्लेक्स में भी मर्ज कर रहे थे, क्वाड्रेटिक में भी कर रहे थे, क्योंकि बच्चों रियल में भी बहुत मर्ज होता है, रियल में भी बहुत यूज होता है, जितना यूज करोगे उतने फॉर्मूले के फैमिलियर रहोगे, और वो फॉर्मूला तो बड़ा फैमिलियर होता भी है नेचर वाइज, छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं बस ना। अब इसमें क्या है ना, ये ए देखो पॉजिटिव दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है पॉजिटिव है ना, ए पॉजिटिव है। अब देखो इसमें जानते हो कि वन कहां पर होता है, वन तो यहां पर होता है ना, कह रहा है कि वन जो है लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो हम इसमें इक्वेशन कैसा भी बना सकते हैं, मतलब पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे पैराबोला होंगे, ए पॉजिटिव है तो वर्टिकली अपवर्ड, और ए या तो ये इन दोनों के बीच में है या इन दोनों के, मतलब वन जो है अंदर ही है, यानी देखने से क्या रहेगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा बच्चों नेचर ऑफ रूट्स के बाद लोकेशन ऑफ रूट्स टाइप के जब भी क्वेश्चन रहेंगे तो रूट्स नहीं दिए रहते हैं, दिए दिया रहता है कि कम है या ज्यादा है,
तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा रहेगा तो देखो रूट्स आखिर इक्वेशन के साथ क्या करता है, जीरो कर देता है। तो रूट्स नहीं इक्वेशन के साथ क्या करेगा, जीरो नहीं करेगा। जो जीरो नहीं होता है वो पॉजिटिव या निगेटिव होता है। उसी तरीके से यानी वो एक्सप्रेशंस जो है जीरो होगा रूट पर, नहीं जीरो होगा नॉन रूट्स पर। तो नहीं जीरो वाला केस लेना है क्योंकि वन इज नॉट ए रूट, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एक्स ले लेंगे जो दिया हुआ है पूरे मैथ्स में। बच्चों वाई का मतलब एफ एक्स, ये आ गया आपका एफ एक्स, हम ले लेते हैं यहीं पर, है ना। कंसेप्ट क्या है इसमें, कंसेप्ट तो याद है ना आपको, कंसेप्ट इसमें है कि यदि केवल एक केस लेना होता है, है ना, कि के जो है के कोई नंबर है लाइज बिटवीन द रूट्स, बिटवीन द रूट्स, यदि के रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, देन ए इंटू एफ ऑफ के, देखो ए पॉजिटिव है तो यहां देख सकते हो ए तो पॉजिटिव है तो x के जगह पर 1 रखोगे तो ये नीचे में कट करेगा, हमेशा निगेटिव हो जाएगा। a इंटू एफ ऑफ k लेस देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0, है ना, ये वाला नॉट मोर यूजफुल, नॉट यूजफुल इन दिस केस, ये कभी यूज नहीं होता है क्योंकि जब d पॉजिटिव है तभी तो रूट्स रियल होंगे, और जब रियल होंगे डिस्टिंक्ट होंगे तभी तो उनके बीच कोई जाएगा, इस वजह से। तो केवल ये है मेन कंडीशन, है ना, नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन, दिस इज बेसिकली नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको, यही हमें यूज करना है। तो हम यही कंसेप्ट यहां पर यूज कर लेंगे, है ना। नाउ तो यहां पर एफ एक्स दे रखा है ना, कंसेप्ट तो पता हो गया। नाउ अब इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एफ एक्स ले लिए तभी ना एफ वन ये सब निकालेंगे, तो ये आ गया आपका 3x² - 3 sin α (x), ये और -2 cos² α, ये एफ एक्स है, ठीक है। ये चलो इक्वल तो लेना ही नहीं है, ये एफ एक्स ले लिया एज पर कंडीशन, एज पर कंडीशन जो दिया हुआ है तो यहां से क्या हो जाएगा, एज पर कंडीशन एफ ऑफ वन, ए तो पॉजिटिव है, 3 × f(1) लेने की जरूरत नहीं है, एफ ऑफ वन लेस देन 0, बस इसी से काम आपका चल जाएगा। तो एफ ऑफ वन जैसे ही लेस देन 0 लिए मामला एकदम हो जाएगा। तो एफ ऑफ वन देखो इसको अगले पेज में कर लेते हैं, तो एफ ऑफ वन का मतलब है ना 3 × 1² है -3 sin α (1) था -2 cos² α, यही था ना इक्वेशन आपका, और ये क्या होना चाहिए लेस देन 0 था। एक बार देख लेते हैं, 3x² था 3 × 1 और 3 sin α - 2 cos² एकदम सही है ना, आसान है। अब देखो इसको सोल्व करो, 1² यानी ये 3 कॉमन ले लिया तो 1 - sin α हो गया इन दोनों में, है ना, और -2 cos² α को 1 - sin² α ले सकते हो ना, ये तो अब क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी का हो गया बेसिकली। नाउ क्वेश्चन बिकम्स, ऑफ बिकम्स ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी या ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन ये आपने कर रखा होगा, है ना, तो वही हम यहां यूज कर रहे हैं। तो ये आ गया 3 और यानी 3 1 - sin α - 2 × 1 - sin α और 1 + sin α लेस देन 0 है ना, बस 1 - sin α कॉमन, जानते भी हो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, 1 - sin α, ये आ गया 3 - 2 - 2 sin α लेस देन 0, तो यहां से 1 - sin α और ये आ गया 3
अच्छा कितना बार माइनस करेंगे भाई, 1 - 2 sin अल्फा आया। इसमें ना बच्चों कभी कभी वेविकर मेथड जो आपने सेट थ्योरम में किए होंगे, कभी इनइक्वालिटी पॉजिटिव कभी नेगेटिव ये भी यूज होता है। तो यहां से फ्रॉम इसके बाद क्या हो जाएगा, वेवी कर्व मेथड साइन स्कीम है ना, वेवी कर्व मेथड यानी जो भी पॉजिटिव नेगेटिव वाले देखते हो उसके बाद देख सकते हो। ये क्या आ जाएगा, साइन अल्फा जो है बच्चों ये आ गया आपका 1/2 से ज्यादा और 1 से कम। तो 1/2 से ज्यादा ये देखो, अब यही पर हमें सोचना होगा, जैसे 1/2 साइन कब होता है, साइन 1/2 होता है π/6 पर, ये है आपका π/6, और दोबारा 1/2 कब होता है 5π/6 पर, ये है आपका 5π/6 ये वाला है ना। तो इसका मतलब हम देखो साइन अल्फा यदि ग्रेटर देन हाफ लिखते हैं तो ऐसा लिखोगे ना कि पाई बाय सिक्स से ज्यादा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पाई बाय सिक्स से ज्यादा तो पाई भी होता है जहां पर साइन जीरो हो जाएगा। तो पाई बाय सिक्स से पाई बाय मतलब 5π/6 तक लेना है, लेकिन बीच रास्ते में कौन मिल गया, 90 डिग्री मिल गया, साइन 90 डिग्री 1 होता है बच्चों, और 1 के इक्वल नहीं लेना है, 1 के इक्वल नहीं लेना है। इसका मतलब हम यदि इसको थोड़ा सा नीचे वाला मिटा दें तो आंसर क्या हो जाएगा, सो अल्फा बिलोंग्स टू पाई बाय 6 से पाई बाय 2 ओपन तक तो जाए, यूनियन पाई बाय 2 से 5π/6 में चले जाए, ठीक है। आगे और जाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बेसिकली ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं ऐसा अलग, कुछ है ही नहीं बच्चों, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है, वेवी कर्व मेथड भी इसमें यूज होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी भी यूज होगा, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन के कैटेगरी में माना गया है, जिसमें भी मल्टीपल कंसेप्ट मल्टीपल टॉपिक्स के कंसेप्ट यूज होते हैं उसी को अच्छे कैटेगरी में माना जाता है, माना जाता है, होता तो और भी है लेकिन इन जनरल ये माना गया है बच्चों, ठीक है, याद रहेगा। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, एक आपको लिए होमवर्क भी दे देते हैं जिससे आप घर में बैठ के कम थोड़ा सा इस सीरीज पर मैथ्स अभ्यास पर इस सीरीज पर आप थोड़ा सा काम करते रहो, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, चलो ये क्वेश्चन दिख रहा होगा है ना, होमवर्क क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ ए बी सी नेचुरल नंबर है, ए बी सी क्या है, नेचुरल नंबर, एंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इस इक्वेशन का ए बी सी नेचुरल है और रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट दिया हुआ है, और ऑल्सो लाइंग इन, जो रूट्स है ना वो इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं, लाइंग इन 0 to 1, ये ओपन इंटरवल 0 और 1 के बीच में रूट्स है बच्चों। ऐसा मत सोचना एबीसी तो नेचुरल है 0 1 के बीच में कैसे हो सकता है, एबीसी नेचुरल है, रूट्स लाई कर रहे हैं 0 और 1 के बीच में। देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इसका ना मिनिमम वैल्यू आपको निकालना है, एंड प्लीज सेंड इट्स आंसर एज सून एज पॉसिबल, जैसे ही इस वीडियो को देखोगे देखते देखते खत्म होने के पहले ही चाहो तो इसको सोल्व करके भेज सकते हो, इतना आसान है। लेकिन एक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको लिया गया है, पूरे जेई एडवांस के अभी तक में 43 इयर्स में टॉप 20 क्वेश्चंस लिए जाएं तो उसमें से एक क्वेश्चन ये वाला है बच्चों,
इतने सारे क्वेश्चन में यानी 10,000-5,000 क्वेश्चन में से टॉप 20 में क्वेश्चन सही है, अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है सारे बच्चे कर लोगे, लोकेशन ऑफ रूट्स पर है ये, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से करके जल्दी से चैट बॉक्स में इसको हमें भेजना, ठीक है। एक अब इसमें क्या कर लेते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन भी जानते हो ना बच्चों, पॉलिनोमियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक भी वही है, क्यूबिक भी वही है, बाई क्वाड्रेटिक भी वही है, जितने रूट्स होते हैं उतने उसके क्या होते हैं, जितने रूट्स होते हैं उतने ही उसके इक्वेशन की डिग्री होती है। तो यहाँ 3 डिग्री है तो 3 रूट्स है, रूट्स आर इन एपी, रूट्स किस में है, एपी में है, तो एपी में 3 नंबर याद है ना, क्या मानते हो, मानते हो ना। नाउ लेट रूट्स आर, रूट्स को क्या बोलेंगे, रूट्स आर 3 नंबर हम ले लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, 3 नंबर यदि हमें एपी में लेना है तो यही लेते हो ना, अच्छा लगेगा। तो अब हम लगा देते हैं, नाउ सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, गामा थोड़ा फैमिलियर वर्ड लग रहा है ना, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी बाई ए, है ना, बेसिकली माइनस बी बाई ए होता है ना, है कि नहीं, इसीलिए, ठीक है। तो ये हो गया 12, तो यहां से आपका आ गया 3 अल्फा इज इक्वल टू 12, सो अल्फा इज इक्वल टू 4, अल्फा आ गया ना 4, चाहो तो बीटा भी निकाल सकते हो, कैसे, प्रोडक्ट से ले लेंगे, है ना। नाउ एज ऑल्सो दूसरा वाला तो यूज ही नहीं करना है, तीनों का प्रोडक्ट अल्फा माइनस बीटा अल्फा अल्फा प्लस बीटा, दिस इज माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए होता है ना, तो माइनस डी बाई ए, ये आ गया आपका 48, ठीक है। तो यहां से अल्फा तो हमें आ चुका है, तो ये आ गया अल्फा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 48। अब इसको हम आगे और ले लेते हैं, अल्फा का मतलब आ चुका है ना 4, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 48, तो यहां से 16 माइनस बीटा स्क्वायर 12, बीटा स्क्वायर 4, बीटा प्लस माइनस 2 ना, एक बार प्लस 2 लो या माइनस 2 लो, दोनों से एक ही आएंगे, सो रूट्स आर, रूट्स क्या क्या आ गए हैं, अल्फा माइनस बीटा, बीटा 2 लिए तो अल्फा माइनस बीटा, एक 4 है 2 है, यानी 2 है और फिर 4 है और फिर 6 है, माइनस भी लोगे तब भी यही आएगा, तो रूट्स आ गए 2, 4, 6। नाउ अब हमें k निकालना है ना, नाउ फॉर k, k के लिए हम क्या करेंगे, या तो सेकंड वाला s2 यूज कर सकते हो, है ना, s2 का मतलब सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, और नहीं तो सीधे इसका रूट पता है ना, हम पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2, है ना, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन, यहां से आपका k आ जाएगा, तो ये क्या आ गया 2 का पावर 3 8 माइनस 12 इंटू 4 प्लस 2k और माइनस 48, वैसे तो 4 भी रख सकते थे, रूट्स में से कोई भी रख दो, है ना, लेकिन ज्यादा आसान 2 लग रहा है ना, बस यहां से हमें k आ जाएगा, कितना आ गया भाई, देखो 8 है, ये है 48, 8 माइनस 48 माइनस 40, माइनस 40 माइनस 48 माइनस 88 बाई 2 माइनस 40, 88 बाई 2 44, तो k इज इक्वल टू 44 आ गया भाई, है ना, वैसे 2 से डिवाइड भी कर सकते थे, तो 4 माइनस 24 माइनस 24, है ना, तो यहां से भी आ जाएगा, तो k आ गया 44, यानी रूट्स भी आ गए और k भी आ गए। तो आज का जो हमारा लेक्चर था बच्चों, है ना, यही हम कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो आज के लेक्चर्स में हमने क्या किया,
आज के लेक्चर्स में हमने क्या किया, आज के लेक्चर्स में हमने किया है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, यानी जो सर के लैंग्वेज में धोखेबाज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ही एप्लीकेशन क्या थे, लोकेशन ऑफ रूट्स, उसके बाद एक क्वेश्चन ये कर लिया। ये बहुत ही अच्छे अच्छे चैलेंजिंग क्वेश्चन हम यहाँ करवा रहे हैं, इसी को और आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।